गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम राजेश चौरसिया। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 10 चैप्टर 11 ह्यूमन आई एंड कलर पेपर। ओके, सो अबाउट दिस चैप्टर वी ऑलरेडी डिस्कस थ्री वीडियो, ठीक है, जिसमें हमने डिस्कस किया था पावर ऑफ अकोमोडेशन, आई कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग और आई डिफेक्ट, ठीक है। इनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो हमारा ये वीडियो है, ये किस पे बेस है? डिस्पर्शन पे। सो क्वेश्चन विल कम, व्हाट इज द डिस्पर्शन, डिस्पर्शन होता क्या है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जब भी आपने देखा होगा कि ट्यूबलाइट या जो सन से जो लाइट रेज आती है वो कैसी होती है? व्हाइट, ठीक है, कैसी होती है? व्हाइट। तो एक्चुअल में देखो, व्हाइट कोई कलर ही नहीं होता है, ये क्या होता है, ग्रुप, मतलब ये ग्रुप ऑफ कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है व्हाइट, जो लाइट रेज होती है ना। पर आप बोलोगे कि सर जो सन से जो लाइट आती है वो तो येलो येलो दिखती है, येलो टाइप की, तो एक्चुअल में येलो होती नहीं, वो व्हाइट लाइट ही होती है। इसको जब आप ऐसे प्लेनेट से देखोगे कि जहां पे कोई एटमोसफेयर नहीं हो, ठीक है, तो आपको वो लाइट कैसी नजर आएगी? बिल्कुल व्हाइट, ठीक है। तो जो हमारी जो व्हाइट लाइट होती है ना, वो कितने कलर से मिलकर बनी होती है? 7 कलर से मिलकर, ठीक है। तो वो हम देखेंगे कि डिस्पर्शन होता क्या है। तो यदि मैं डिस्पर्शन की बात करूं, डिस्पर्शन होता क्या है? डिस्पर्शन, जब भी हम व्हाइट लाइट को एक डिवाइस होता है जिसका नाम है प्रिज्म, उस पर फॉल करते हैं या उसमें से पास करते हैं, तो जो लाइट जितने कलर से मिलकर बनी होती है उतने कलर में लाइट क्या होती है? स्प्लिट हो जाती है। तो लाइट का यही फिनोमिना क्या कहलाता है? डिस्पर्शन ऑफ द लाइट। तो व्हाट इज द डिस्पर्शन ऑफ द लाइट? व्हेन व्हाइट लाइट इज पासेस थ्रू अ प्रिज्म, इट स्प्लिट इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर। तो लाइट क्या हो जाती है? जितने कलर से मिलकर बनी होती है उसमें क्या हो जाती है? स्प्लिट हो जाती है। तो देखो, द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इंटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड इज डिस्पर्शन ऑफ द लाइट, ठीक है। तो लाइट जितने कलर से, मतलब कोई भी लाइट जो जितने कलर से मिलकर बनी होती है, यदि हम उसको प्रिज्म में से पास करेंगे तो क्या हो जाएगी? वो उतने कलर में स्प्लिट हो जाएगी। तो देखो, ये हमारा प्रिज्म होता है। देखो, ये 2D में बना रहा हूं मैं ये चीज, ध्यान रखना, ये प्रिज्म हमारा। तो देखो, प्रिज्म क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट डिवाइस होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, जिसमें से दो सरफेस को, दो प्लेन सरफेस को एक एंगल पे रखा जाता है, ठीक है। तो ये ट्रांसपेरेंट होता है। देखो, इसमें ये हम व्हाइट लाइट, ये क्या है हमारी? व्हाइट लाइट, ठीक है, व्हाइट लाइट, ठीक है। तो जब इसको इसमें से पास किया जाता है तो क्या हो जाता है? ये 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से। इनका जो ये सीक्वेंस क्या होता है, इनका सीक्वेंस होता है, ठीक है, ठीक है, विब ग्योर। तो ये सबसे, देखो अब सबसे ज्यादा यहाँ पे जो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट होता है वो कौन सा कलर होता है? वायलेट, ठीक है। उससे कम कौन डिफ्लेक्ट होता है? इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, और सबसे कम डिफ्लेक्ट होता है रेड। तो ये व्हाइट लाइट कितने कलर से मिलकर बनी हुई? 7 कलर से, 2, 3, 4, 5, 6, 7, उतने कलर में ये क्या हो जाती है? डिस्प्लेस हो जाता है। और ये डिवाइस हमारा क्या है? ये हमारा प्रिज्म, ये हमारा क्या है? प्रिज्म, यू अंडरस्टूड, ठीक है। तो प्रिज्म एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर से हम किसी व्हाइट लाइट को पास करेंगे तो जितने भी कलर से वो मिलकर बनी होती है उसमें स्प्लिट हो जाती है। तो लाइट का यही फिनोमिना क्या कहलाता है?
या ये कंप्लीट प्रोसेस क्या कहलाती है, डिस्पर्शन ऑफ द लाइट, क्लियर, ठीक है। और इसकी सीक्वेंस क्या होती है, देखो मैक्सिमम बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो कहां पे करते हैं, वो विद्युत ऐसे लिखते हैं, बल्कि ये गलत है, कैसे आएगा, नीचे से ऊपर विद्युत। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता क्यों है भाई, क्योंकि देखो अब देखो डिस्पर्शन होता क्यों है, तो इसके पीछे क्या होता है, इसका वेवलेंथ, क्योंकि सबसे ज्यादा वेवलेंथ मतलब डिस्पर्शन के पीछे रीजन क्या होता है, वेवलेंथ, ठीक है। क्योंकि देखो अभी आपको बताओ, हमने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पढ़ा था, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में हमने क्या पढ़ा था, जिसका जितना ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा वो उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट कौन सी लाइट रेज, कौन से कलर की लाइट रेज डिफ्लेक्ट हो रही है, वायलेट, तो दैट मीन्स सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वायलेट का, उससे कम इंडिगो, तो सबसे कम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका होगा, रेड कलर का, क्यों, बिकॉज इट हैव अ हाई वेवलेंथ, जिसकी और जिसकी वेवलेंथ देखो, तो वेवलेंथ देखो, वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के। तो देखो तो सबसे ज्यादा यदि मैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो सबसे ज्यादा वायलेट विद इंडिगो ये रेड, ठीक है, ये इस तरीके से जो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा होगा, ये हमने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में डिस्कस किया था। तो डिस्पर्शन के पीछे भी ये रीजन होता है, ठीक है, तो अपनी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्पर्शन, उसके पीछे रीजन क्या होता है, वेवलेंथ, ठीक है। क्योंकि देखो वैक्यूम में यदि हम इस लाइट रेस को पास करेंगे तो सेम कलर, यदि लेटेस्ट कंसीडर यहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता तो लाइट रेस क्या होती, सीधे निकल जाती, सेवन कलर में स्प्लिट होती क्या, नहीं होती। तो यदि वैक्यूम में कोई लाइट रेस को हम पास करेंगे तो वो किसी भी कलर में स्प्लिट या कहीं भी डिफ्लेक्ट नहीं होगी, बट जब किसी मीडियम से पास करेंगे तो क्या हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी कलर का क्या होती है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसी इस कंप्लीट प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ द लाइट, ठीक है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब देखो जो ये सेवन कलर आए, इन सेवन कलर को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। व्हाट इज द स्पेक्ट्रम, क्वेश्चन आता है व्हाट इज द स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब व्हाइट लाइट को, जब भी किसी लाइट को हम किसी प्रिज्म में उसे पास करते हैं, जितने कलर में स्प्लिट हो जाता है, तो वो कलर की जो सीक्वेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम, दिस इज अ स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो द बैंड ऑफ कलर्स ऑब्टेन इज कॉल्ड अ स्पेक्ट्रम, ध्यान रख लेना, पूछ लिया जाता है कभी कभी ये, ठीक है, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट विब्योर, ये विब्योर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे कहां पर मिस्टेक करते हैं, विब्योर यहां से, जबकि ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमें पता है सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट कौन सा कलर होगा, वायलेट, सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट कौन सा कलर होगा, वायलेट, क्लियर। तो ये कलर सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, ओके, तो वायलेट नीचे आएगा क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, और जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे कम आएगा वो सबसे कम डिफ्लेक्ट होगा, तो वो ऊपर, तो विब्योर नीचे से, ठीक है, ओके, चलो। अब ये चीज, अब देखो, अब एक और, अब देखो ये किसने, ये हमें किसने बताया था, ये हमें बताया था न्यूटन बाबा ने, ठीक है, इसको भी इशाक न्यूटन ने ही डिस्कवर किया था। तो उन्होंने क्या किया था, ऐसा उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, उन्होंने एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क ली, ठीक है, और उसपे जब व्हाइट लाइट इस पे करी उन्होंने, तो क्या होगा, हमें इसमें सेवन कलर नजर आते हैं, देखना जो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है आपकी जो सीडी प्लेयर, तो उन्होंने क्या किया, इसको सेवन पार्ट में अप्रोक्सीमेट 151 डिग्री पे इनको में सेवन कलर को स्प्लिट, ये
फिल कर दे सेवन कलर में, ठीक है। और जब इसको क्या किया, इसको हाई स्पीड पे, जब इसको हाई स्पीड पे रोटेट करवाया तो बिल्कुल वाइट नजर आई। कैसी नजर आई? वाइट नजर आई। तो अब समझ में आ गया ना कि वाइट कलर कोई होता नहीं, ये कॉम्बिनेशन ऑफ कलर होता है, ठीक है। तो इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू न्यूटन ने हमें बताया था कि जो व्हाइट लाइट होती है वो सेवन कलर से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो उन्होंने कॉम्पैक्ट डिस्क का एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने क्या किया, सेवन कलर को इसमें फिल करके और उसको एक हाई स्पीड पे जब रोटेट करवाया तो क्या हुआ, यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे ये व्हाइट नजर आया, ठीक है। या फिर जैसे कि व्हाइट लाइट, या जैसे कि आप देखना कॉम्पैक्ट डिस्क जो होती है इसमें व्हाइट लाइट यदि नॉर्मल पोजिशन पे ये रेस्ट करने, और जब इसमें व्हाइट लाइट आती है तो ये सेवन कलर में नजर आती है, सेवन कलर नजर आएंगे कॉम्पैक्ट डिस्क पे, देखना आपके लिए, ठीक है। तो ये चीज थी, ठीक है। अब हम देखो, अब देखो इशाक न्यूटन ने एक और चीज बताई थी, कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट, तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट क्या होता है वो देखना। तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट या व्हाट इज द रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन होता क्या है, देखो देखो देखना, ये हमारा प्रिज्म है, ठीक है। अब जब इसमें हमने व्हाइट लाइट को, ये व्हाइट लाइट, ठीक है, ये व्हाइट लाइट, इसको इसमें से प्रिज्म में से पास किया, ठीक है, प्रिज्म में से पास किया तो क्या होता है, ये सेवन कलर में, देखो ये क्या हो जाएगी, सेवन कलर में स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। तो सेवन कलर में स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। ठीक है, अब यदि इसी सीक्वेंस में सेम साइज का यदि हम एक और प्रिज्म इन्वर्टेड पोजीशन में रख दें, कैसे, इस तरीके से, तो क्या होगा, तो जो हमें जो लाइट मिलेगी, देखो इसमें ये छोटा बड़ा दिख रहा है, तो ये भी हमें क्या मिलेगी, व्हाइट लाइट, ठीक है। ये क्या आपका विवग्योर है ना, ये विवग्योर, और इसको वापस किस में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। मतलब रिकम्बाइन कर दिया हमने व्हाइट लाइट को, सबसे पहले क्या किया प्रिज्म के थ्रू उसको सेवन कलर में स्प्लिट किया, अब उस सेवन कलर को वापस जब हमने इन्वर्टेड पोजीशन में सेम साइज के प्रिज्म को रखा तो वापस वो क्या होगी, वो सेवन कलर जो कलर स्प्लिट होते वो रिकम्बाइंड हो गया, वापस हमें क्या मिल गया, व्हाइट लाइट, क्या मिल गया, वापस में क्या मिल गया, व्हाइट लाइट। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, इस प्रोसेस को बोला जाता है रिकॉम्बिनेशन। अब देखो कुछ बच्चों के क्वेश्चन आता है, हर कोई के नहीं आता, एक क्वेश्चन आता है कि सर जैसे कि हर कोई के नहीं आता, हर कोई के नहीं आता है, ये ध्यान रखना। देखो जब भी हम, देखो हमने ग्लास स्लैब से जब भी व्हाइट लाइट को हम क्या करते हैं तो सेवन कलर में स्प्लिट क्यों नहीं होती, बहुत सारे बच्चों की क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो भाई उसके पीछे रीजन भी क्या होता है, देखो समझना कैसे, जैसे कि मान लो देखो, तो ये भी एक तरह से क्या हो गया,
देखो, जब भी व्हाइट लाइट को हम किसी, ये क्या है आपका ग्लास स्लैब, ठीक है, ग्लास स्लैब, जब भी ग्लास स्लैब में से कोई व्हाइट लाइट को स्प्लिट कर जब पास करते तो वो सेवन कलर में स्प्लिट क्यों नहीं होता, तो यहाँ भी क्या हो जाता है, लाइट का क्या हो जाता है, रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी दो प्रिज्म हो जाते हैं, तो ये सेवन कलर में स्प्लिट हो गया, वापस क्या हो जाता है, इसका रिकॉम्बिनेशन हो जाता है और वापस हमें क्या मिलती है, एक व्हाइट लाइट, समझ में आ गया, उसके पीछे रीजन ये होता है, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि हमें मतलब सेवन कलर नहीं, क्यों नहीं मिलते, जब भी हम ग्लास स्लैब में से व्हाइट लाइट को स्प्लिट करते हैं तो हमें सेवन कलर क्यों नहीं मिलते, तो उसके पीछे रीजन क्या होता है, ये होता है, ठीक है। अब हमारा टॉपिक आता है, देखो अब आपने नेचर में भी देखा होगा सेवन कलर देखा होगा ना, अरे रेनबो देखा है, तो भाई रेनबो कैसे बनता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, तो उन सबके पीछे भी रीजन क्या होता है, ये डिस्पर्शन ऑफ द लाइट, तो हाउ टू फॉर्म, हाउ टू फॉर्म रेनबो, तो वहां पे देखो, वहां पे भी जो प्रिज्म होता है, आप बोलोगे आप सर के सर हमने तो कभी देखा ही नहीं प्रिज्म, देखो आपने देखा होगा कि स्काई में रेनबो कब बनता है, कब बनता है, जब देखो जब हल्की हल्की धूप निकल रही हो, ठीक है, लाइट हो और हल्की बरसात हो रही हो, जब मतलब जब देखो जब स्काई में क्या होता है, एटमोस्फेयर में लाइट सन हो और हल्की हल्की बारिश हो रही हो, तब जाके आपने देखा होगा कि रेनबो नजर आता है, ठीक है, उसमें होता क्या है, जो वॉटर ड्रॉपलेट होती है ना, तो जो वॉटर ड्रॉपलेट होती है, ये क्या आपकी वॉटर ड्रॉपलेट, वॉटर ड्रॉपलेट, ठीक है, ये आपकी क्या है, वॉटर ड्रॉपलेट, तो देखो इसमें तीन चीजें होती है, तब जाके क्या होता है, तीन चीजें होती है, सबसे पहले क्या होता है, डिस्पर्शन, डिस्पर्शन, सेकंड होता है रिफ्लेक्शन, थर्ड होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये कंडीशंस बता रहा हूं मैं कि कब आपकी इस रेनबो फॉर्म होगा एनवायरनमेंट में, आपके स्काई में, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, ठीक है, और फोर्थ होता है वापस रिफ्रैक्शन, ठीक है, तो ये चार चीजें होती है भाई, तो देखो जो आपकी जो ये क्या है, वॉटर ड्रॉपलेट, तो एज अ क्या करती है, एज अ प्रिज्म वर्क करती है, प्रिज्म की तरह, एज ए प्रिज्म की तरह वर्क करती है, तो वाटर ड्रॉपलेट वर्क एज अ प्रिज्म, तो देखो जब भी इसमें लाइट आती है तो होती क्या है, इसमें सबसे पहले क्या होता है, इसका डिस्पर्शन होता है, डिस्पर्शन होने से क्या होता है, ये सेवन कलर में स्प्लिट हो जाता है और फिर वापस, अब यहाँ पे इसका इसका क्या होता है, ये इस जगह पे, ये यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये यहाँ पे तो क्या हुआ इसका रिफ्रेक्शन, ये क्या हुआ डिस्पर्शन, ठीक है, डिस्पर्शन, ठीक है, और वापस ये क्या हुआ यहाँ पे इसका टोटल इंटरनल रिफ्रेक्शन, TIR बोलते हैं, TIR शॉर्ट TIR, ठीक है, अब इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन होता है कि टोटल इंटरनल रिफ्रेक्शन होता क्या है, व्हाट इज द टोटल, तो अभी समझाएंगे इस चीज को, ठीक है, तो वापस क्या होता है इसका, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंस बैक ऑफ द लाइट, यहां से लाइट वापस क्या हो जाती है, बाउंस बैक,
इकट्ठे हो जाते। सेवन कदम पर हमें, और ये कब नजर आएगा जब हम इसको यहां से देखेंगे इस तरीके से, जब सन हमारे पीछे हो। देखो रेनबो तभी नजर आएगा जब, देखो रेनबो हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है, जिधर सन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन। तो सन किधर होगा यहाँ पे, इस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे कि हम मिरर में इमेज देखते हैं, तो मान लो कोई पर्सन इधर होता है साइड में, तो हम हमें वो कहाँ पे दिखता है, मिरर में, सामने तो दिखता है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे कोई पर्सन होगा, ठीक है, उसके पीछे क्या होना चाहिए, सन, सोर्स ऑफ लाइट, तो जाके हमें क्या होगा, प्रिज्म, सॉरी ये रेनबो इस तरह उसके सामने नजर आए। तो रेनबो कब बनेगा, जब सन क्या होगी, रेनबो के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो देखो सबसे पहले लाइट रेज आई, तो इसका क्या हुआ, डिस्पर्शन हुआ, डिस्पर्शन के साथ साथ क्या भी हुआ, रिफ्लेक्शन। जब भी लाइट रेज वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देखो वन मीडियम टू अनदर मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तो क्या होती है, बेंड हो जाती, ये फिनोमेना रिफ्लेक्शन कहलाता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन हुआ, फिर डिस्पर्शन भी हुआ, डिस्पर्शन से क्या हुआ, लाइट क्या हो गया, ये वी और आर, ठीक है, तो ये सेवन कलर में स्प्लिट हो जाती। अब देखो यहां से क्या होता है, इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, अब वो बताऊंगा मैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो वहां से क्या हुआ, लाइट क्या हुई, बाउंस बैक हुई, और फिर वापस क्या हुआ, इस जगह पे क्या हुआ, जब वाटर ड्रॉपलेट से बाहर निकली, तो वापस क्या हुआ, इसका रिफ्लेक्शन हुआ, और हमें इस तरीके से सेवन कलर मिले, और इस तरीके से फिर ये रेनबो बनता है, इस तरीके से कॉम्बिनेशन से, ठीक है। तो इस तरीके से रेनबो फॉर्म होता है। अब देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है, देखो अब इधर देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है, देखो अब मैं समझा रहा हूँ, तो मतलब देखो ये थोड़ा इंटर मतलब बहुत डीप वाली बात है, मैं बता देता हूँ फिर भी। देखो जब भी हमने हमें पता है, जैसे हमारा ये डेंस मीडियम, ठीक है, और ये रेयर, ठीक है, ये डेंस मीडियम, और जब भी लाइट रेस, जैसे कि ठीक है, जब भी लाइट रेस किसी डेंसर मीडियम से, डेंसर मीडियम से क्या होगी, और रेयर मीडियम में जाएगी, रेयर मीडियम में जाएगी, तो क्या होगा, वो अवे टू द नॉर्मल होगी, हमारा नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल, तो अवे टू द नॉर्मल, ठीक है। और देखो अब मैंने यदि मैं फिर एंगल बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, लाइट रेस फिर अवे टू द नॉर्मल जाएगी। अब मैंने ये एंगल फिर बढ़ाया तो फिर क्या हो जाएगी, अब एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब यदि मैं फिर एंगल बढ़ाया मैंने, तो ये क्या हो जाएगी, बिल्कुल 90 डिग्री पे आ जाएगी, ये लाइट रेस रिफ्लेक्ट होके कितनी पे आ जाएगा, 90 डिग्री पे। तो जिस वो इंसिडेंट एंगल जिस पे कि रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्शन कितना मिल जाए हमें, 90 डिग्री, वो इंसिडेंट एंगल जिस पे कि हमें रिफ्लेक्शन कितना मिल जाए, 90 डिग्री, तो इस एंगल को बोला जाता है थीटा सी, मतलब क्रिटिकल एंगल, इसको क्या बोला जाएगा, क्रिटिकल एंगल, ठीक है, या आईसी, इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल, ठीक है, जो भी आप मानो। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, किसी भी रिफ्लेक्टिव एंगल के लिए वह इंसिडेंट एंगल जिसके लिए रिफ्लेक्शन कितना हो जाए, 90 डिग्री, नॉर्मल से नॉर्मल टू परपेंडिकुलर हो जाए, नॉर्मल से परपेंडिकुलर हो जाए, तो ऐसा एंगल क्या हो जाएगा, क्रिटिकल। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, लाइट रेज हमेशा किधर से किधर होनी चाहिए, डेंसर से रेयर मीडियम में एंटर करनी चाहिए। तो डेंसर से जब भी लाइट रेस रेयर मीडियम में एंटर करेगी और एंगल कितना हो, क्रिटिकल एंगल, तो लाइट कितनी डिफ्लेक्ट हो जाएगी, परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल। और अब ये मान लो मैंने एंगल की वैल्यू, देखो थीटा सी या फिर आई सी, मतलब क्रिटिकल एंगल है, इससे हल्की सी भी ज्यादा कर दी, किसकी वैल्यू, इंसिडेंट एंगल की वैल्यू, मान लो मैंने फिर ज्यादा कर दी, तो क्या हो जाएगी, लाइट रेस, ये मैंने ज्यादा कर दी, तो क्या हो जाएगी, लाइट रेस बाउंस बैक होके उसी मीडियम में आ जाएगी। तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो इस फिनोमिना को बोला जाता है टोटल
इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कैसे? देखो क्रिटिकल एंगल क्या होते, देखो क्रिटिकल एक सिचुएशन होती है, यदि उससे कम या ज्यादा हम कोई भी वैल्यू करते हैं तो फेज चेंज हो जाता है, मतलब फेज मतलब सोलिड हो तो लिक्विड हो जाता है, आपने देखा होगा, ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। उसी तरीके से देखो क्रिटिकल एंगल एक ऐसा एंगल होता है जब भी लाइट रेज डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में एंटर करती है, तो क्या होता है, तो होता क्या है, यदि क्रिटिकल एंगल वह इंसिडेंट एंगल होता है किसी भी मीडियम के लिए, कि उस पर यदि किसी लाइट को इंसिडेंट मतलब क्रिटिकल एंगल पे लाइट इंसिडेंट की जाए तो हमें रिफ्रेक्शन कितना मिलता है, 90 डिग्री, तो कितना रिफ्रेक्ट होगी 90 डिग्री पे। और यदि उससे भी ज्यादा यदि हम करेंगे क्रिटिकल एंगल से हम ज्यादा एंगल रखेंगे तो क्या होगी, मतलब एंगल की वैल्यू यदि हम क्या कर रहे हैं बढ़ा दें, मतलब ये क्या है, देखो ये होता है क्रिटिकल एंगल, सॉरी थीटा से, ठीक है, यदि इससे भी ज्यादा वैल्यू हम बढ़ा देंगे क्रिटिकल एंगल से भी तो क्या हो जाएगी, अरे वैल्यू क्या, तो क्या हो जाएगी, जो लाइट रेज है उसका रिफ्रेक्शन नहीं होगा, वो अंदर एंटर कर जाएगी, ठीक है। तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो दोबारा समझ लो वापस, जब भी लाइट रेज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या इंपोर्टेंट चीज है, सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ डेंसर और ये रेयर रेयर मीडियम है ना, तो देखो मैं तीन चीजें बना रहा हूँ इसमें, देखो फर्स्ट कंडीशन ये एंगल आई, ठीक है, थीटा आई, थीटा आई, तो क्या हो जाएगी लाइट रे, अब देखो मैंने ये एंगल बढ़ा दिया, ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया ये थीटा सी कर दिया, तो लाइट रे कहाँ पे होगी, ये आपका नॉर्मल है, नॉर्मल ये नॉर्मल, ठीक है, ये थीटा सी, थीटा सी इज द क्रिटिकल एंगल, वी थीटा सी यहाँ पे क्या है, थीटा सी क्या है, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, ऐसा एंगल जिस पे कि मतलब ऐसा एंगल क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जिस पे कि रिफ्रेक्टिव रिफ्लेक्शन कितना हो जाता है 90 डिग्री किससे, नॉर्मल से, ठीक है। और जब इससे भी ज्यादा हम क्रिटिकल एंगल से ज्यादा वैल्यू रखेंगे, अब हमने देखो ग्रेटर देन थीटा सी इज ग्रेटर देन इंसिडेंट एंगल थीटा आई, थीटा आई की वैल्यू मैंने कितनी रखी, ग्रेटर देन सी, तो क्या हो जाएगा इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टी ये आपका है टी आई आर ये वाला, ठीक है, तो लाइट क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी उस सेम मीडियम में। अब देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज अपन कहाँ करते हैं, जो ऑप्टिकल फाइबर वगैरह आता है ना उसमें, ऑप्टिकल फाइबर जो आपकी जैसे नेट वगैरह की जो केबल होती है उनमें, ठीक है, बहुत सी जगह इसका यूज हम करते हैं, तो इसमें सिग्नल बहुत फास्ट ट्रेवल करते हैं अभी और लॉसेस नेग्लिजिबल हो जाते हैं इसमें जो सिग्नल, ठीक है, तो ये तो इस तरीके से हमारा रेनबो फॉर्म होता है। रेनबो का फॉर्म होगा जब क्या होगा, मतलब जो भी रेनबो देख रहा है उसके पीछे क्या होना चाहिए, सन हेड के पीछे, तो हमें रेनबो सामने नजर आया, तो इस तरीके से फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेनबो हमें इस तरीके से, और हमें हाफ क्यों नजर आता है, क्योंकि वो पूरा बनता है बट हमें हाफ ही नजर आता है, ठीक है, तो इस तरीके से, तो हाउ टू फॉर्म रेनबो, तो रेनबो कैसे बनता है इस तरीके से, ठीक है, तो ये टोटल प्रोसेस है, इसको अच्छी तरीके से लिख लेंगे, ठीक है, मैंने एक एक चीज देखो, डिस्पर्शन हुआ फिर रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है, डिस्पर्शन से 7 कलर स्प्लिट हो गया, रिफ्लेक्शन हुआ जब लाइट इज 1 मीडियम टू अनदर मीडियम, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, फिर वापस क्या हुआ यहाँ से रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन हो गया ना यहाँ पे वापस क्या हो गया रिफ्लेक्शन, ठीक है, क्लियर। चलो अब देखो एक और चीज बता देता हूं मैं इसकी ज्योमेट्री ऑफ, जब मोनोक्रोमेटिक लाइट को देखो, मोनोक्रोमेटिक लाइट
अब देखना मोनोक्रोमेटिक लाइट को, जब मोनोक्रोमेटिक लाइट किसी रिफ्लेक्शन थ्रू है प्रिज्म, ठीक है, टॉपिक डालना रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्रिज्म, तो ये जैसे कि हमारा ये प्रिज्म हो गया, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, 60 60 60, ठीक है, तो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब सिंगल कलर, मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है, सिंगल कलर लाइट, सिंगल जैसे 7 कलर है तो उसमें सिंगल कलर, कोई सा भी कलर सिंगल कलर लाइट, तो हमने क्या किया सिंगल कलर लाइट रे इसमें से पास करी, तो ये इस तरीके देखो ये क्या हो गया हमारा, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल हो जाएगा, तो देखो ये इस तरीके से रिफ्लेक्शन हो गया इसका, ठीक है, अब वापस वन मीडियम टू अनदर मीडियम में ट्रेवल, वापस इसका क्या हो गया रिफ्लेक्शन, ठीक है, तो ये यहाँ पे भी ये भी क्या हो गया नॉर्मल, जैसे एन एन इसको एम एम डैश एन एन डैश, ठीक है, और ये हमारा जो एंगल होता है एंगल ए मान लो इसको, इसको बोलते हैं अपन एंगल ऑफ प्रिज्म, ये होता है हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म, ये हमारा क्या होगा देखो ये आर, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये भी हमारा क्या होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर डैश, ये ठीक है, और ये इसके साथ जितना एंगल बना है ये क्या हो जाएगा हमारा एमर्जेंट एंगल, क्या हो जाएगा ये एमर्जेंट एंगल, ठीक है, अरे अपने ग्लास स्लेट में पढ़ा था ना, ठीक है, ये एंगल, अब देखो यहाँ पे कितने एंगल होते हैं 5 1, तो ये क्या हो गया हमारा इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्ट, ये रिफ्लेक्टेड, तो 1 2 3 4, अब एक और 5 एंगल होता है एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन क्या होता है मतलब देखो लाइट को कहाँ जाना था इधर, यदि यहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता लाइट इधर पर गई कहाँ पे इस तरीके, कहाँ पे गई लाइट इस डायरेक्शन में, तो देखो लाइट इस तरीके से गई, इन दोनों के बीच में एक एंगल बना, ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, तो लाइट मतलब जिस डायरेक्शन में जा रही है और उससे कितना डिफ्लेक्ट हुई उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा ना उसको बोला जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन, तो जब भी कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट को मतलब सिंगल कलर लाइट रेज को हम किसी प्रिज्म में से पास करेंगे तो इस तरीके की, इस तरीके से वो पास होता है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे एंगल एक है एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, एंगल आई, एंगल आई क्या है इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल, ठीक है, एंगल आर रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है, रिफ्लेक्टेड एंगल हो गए, और एंगल एंगल ई एमर्जेंट एंगल, और इस रे को क्या बोलेंगे देखो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये एमर्जेंट रे, है ना, ये एमर्जेंट रे होती है, ये एमर्जेंट एंगल, एमर्जेंट एंगल, और फिफ्थ होता है इसको देखो डेल्टा से डिनोट करते हैं, बहुत सी जगह डी से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है मतलब लाइट रेज
जिस पाथ से गई और कितना डिफ्लेक्ट हुई, तो दोनों के बीच का जो एंगल हो, देखो लाइट को ऐसे जाना था बट डिफ्लेक्ट कितनी हुई, इतनी, इसको जब मैं मिलाऊंगा तो इन दोनों के बीच में जो एंगल मिलेगा वही एंगल ऑफ डेविएशन। तो हमारे पांचों एंगल मिलके ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये एमरजेंट रे, जो हमने ग्लास से देखो ज्योमेट्री बिल्कुल वैसी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारी ज्योमेट्री डिस्पर्शन के बारे में सभी चीजें डिस्कस करी है। फिर भी यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ओके, थैंक यू।